प्रेजेंटेड हो रही है, आई एम शाइस्ता खान। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, जो हमारा इससे पहले जो हमारी क्लास थी उसमें हम लोगों ने क्या मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ का वो स्पेस जहाँ पे वो रिपल्शन या अट्रैक्शन का फोर्स जो है वो किसी और मैग्नेट या मैग्नेट पे वो लगाता है जो हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, या वो एरिया जिस पे कोई भी आयरन या आयरन से बनी हुई चीज आए तो वो क्या करे, मैग्नेट उसको अट्रैक्ट कर ले, तो उसके चारों तरफ का वो एरिया वो होता है मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है वो एक लाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अब इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो उसकी चार मेन प्रॉपर्टीज होती हैं, तो आइए आज हम उसी को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये एक मैग्नेट है। क्या है ये, एक मैग्नेट। ठीक है, ये है साउथ पोल और ये है नॉर्थ पोल। तो जो भी मैग्नेट, जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन की बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो हमेशा नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ में जाएंगी। क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हम बात कर रहे हैं वो क्या होगी, हमेशा जो है नॉर्थ पोल से निकलेंगी और साउथ पोल की तरफ अंदर जाएंगी। ठीक है, ये हमेशा यही डायरेक्शन उसका होगा। जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखोगे तो बाय कन्वेंशन है, ये धारणा है, ये हम मानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो नॉर्थ से निकलती है और साउथ में जाती है। ठीक है, कहीं से भी हो वो नॉर्थ से ही निकलेगी और साउथ में जाएगी। ठीक है, ठीक, ये हो गया, नॉर्थ से निकल रही है और साउथ में क्या हो रही है, जा रही है। ठीक, और अब ये तो हो गई मैग्नेट के बाहर की बात। अब मैग्नेट के अंदर की बात अगर हम करें तो मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या होती है, साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ जाती है। कहाँ जाती है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जाती है। समझ में आई ये बात, कि मैग्नेट के जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कहाँ से, नॉर्थ से बाहर निकलती हैं और साउथ से, साउथ पोल से अंदर जाती हैं, ये बाय कन्वेंशन है। ठीक है, और मैग्नेट के अंदर क्या होता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो किधर जाती हैं, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं। ठीक है, और जो अब आप अगर इसको देखोगे तो ये क्या होगा, ये एक पूरा क्या करती है, एक लूप फॉर्म करती है। क्या करती है, एक लूप फॉर्म करती है। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखोगे तो क्या करेंगे, एक लूप फॉर्म करेंगे। ये नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ में अंदर जाएंगी और फिर साउथ से, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ जाएंगी। तो ये क्या करेंगी, ये एक लूप क्या करती है, फॉर्म करती है। क्या करते हैं, एक लूप फॉर्म करती है। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई कि जो मैग्नेटिक लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो क्या करती है, वो नॉर्थ से निकलती है, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से निकलती है और साउथ से, साउथ पोल से अंदर जाती है। ठीक है, उसके बाद जो मैग्नेट के अंदर जो उसका डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, वो किधर होता है, साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ। किधर होता है, साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ उसका डायरेक्शन होता है। तो ये हो गई पहली प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ना, ये पोल मैग्नेट के बाहर और मैग्नेट के अंदर मिला के ये क्या करती है, एक लूप फॉर्म करती है। क्या करती है, एक लूप फॉर्म करती है। क्या करती है, एक लूप फॉर्म करती है। मैग्नेट के बाहर और मैग्नेट के अंदर का उसकी लाइंस मिला के क्या करती है, एक लूप फॉर्म करती है। तो ये समझ में आई, ये दो प्रॉपर्टीज हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं तो वो क्या होती हैं, वो पोल्स पे, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो पोल पे जो होता है वो बहुत क्राउडेड होता है। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्या होती है, पोल पे बहुत क्राउडेड होती हैं। इस जगह पे पोल पे क्या होती है, बहुत क्राउडेड होती हैं। क्या होती है, ये पोल जहां ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल है यहाँ पे बहुत क्राउडेड होती है। क्यों,
क्योंकि अब यहीं से नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में अंदर जाती हैं। तो क्या होगा अब भाई, कई निकलेंगी ना, तो ये इधर गई, फिर ये ऐसे निकली, फिर ऐसे गई, तो ये इस जगह से ही निकलती हैं। इस जगह पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी पोल पे, वो बहुत क्राउडेड होगी। ठीक, क्राउडेड होने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बहुत ही स्ट्रांग होगा। क्या होगा, यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्राउडेड हैं, इसका मतलब क्या कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बहुत स्ट्रांग होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा हैं। ठीक है, और अगर आप इसके बाहर की बात करेंगे तो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कहाँ कहाँ, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, वो स्ट्रांग होगा, और जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वीक होगा। ये हमने पहले भी, इससे पहले वाली जो हमारी क्लास थी उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि जो ये पोर्शन है, जो मैग्नेट के बाहर का ये पोर्शन है, ये पोर्शन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा, और स्ट्रांग कहाँ होगा, इस पोर्शन पे, ये जो लाइंस जा रही है इस पोर्शन पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी, स्ट्रांग होगी। भाई वो हम नहीं कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं, जब आप किसी भी बार मैग्नेट के ऊपर जो है आयरन फाइलिंग को जो क्या करते हो, वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो वो इस तरीके से अपने आप को अरेंज करती हैं। उनके अरेंजमेंट को आप देख के बता सकते हो कि भाई जो ये पोर्शन होगा मैग्नेट का, ये वाला पोर्शन जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं है, ये वाले पोर्शन पे बहुत ही कम आयरन फाइलिंग्स जो होंगी वहां पे होंगी, और जो लाइंस होंगी, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी मैग्नेट के बाद, वहां पे ज्यादा अमाउंट में क्या होगी, आयरन फाइलिंग्स होगी। और इस जो ये सब स्पेस है, ये सारा स्पेस, यहाँ पे आयरन फाइलिंग्स क्या होंगी, बहुत कम होंगी। बहुत कम होने का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत वीक है, अपार्ट ऑफ कि जहां पे मैग्नेटिक लाइंस है, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ज्यादा स्ट्रांग है, और जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं है वहां पे क्या है, वो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड वीक है। ठीक है, ये बात समझ में आई कि तीन प्रॉपर्टीज हो गई, कि एक तो क्या कि नॉर्थ पोल से निकलेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेट के बाहर और साउथ पोल से अंदर जाएगी, और जब मैग्नेट के अंदर की बात हम करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगी। फिर क्या होगा, अंदर और बाहर मिला के जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो एक लूप बनाएंगी। ठीक है, ये हो गई सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी कि जो मैग्नेट होगा उसके पोल पे क्या होगी, जो फील्ड लाइंस होंगी वो बहुत क्राउडेड होगी। इसका ये मतलब है कि पोल्स पे जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बहुत ही स्ट्रांग होगा, और जो मैग्नेट के बाहर का स्पेस है वहां पे, जहां पे लाइंस हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वहां पे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, बट जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वीक होगा। ठीक है, ये हो गई तीन प्रॉपर्टीज। अब इसकी जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम फिर से क्या इमेज बनाएंगे, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें हम कर रहे हैं डायरेक्शन की बात। जो मैग्नेट करते हैं अपने, जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसके लास्ट प्रॉपर्टी के बारे में, यानी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये एक मैग्नेट है, अगर ये मान लीजिए ये उसका साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल है। ठीक है, तो जब भी आप कंपास को रखोगे तो क्या होगा, वो आपके मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को बताएगी। क्या बताएगी, आपके मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को, यानी कंपास रखोगे तो वो ऐसे जाएगा, उसका जो नॉर्थ पोल होगा वो ऐसे जाएगा, फिर उसको जब उस कंपास का जो आप पोजीशन वो चेंज करते जाओगे तो आपको डायरेक्शन भी वो चेंज बताता जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से ऐसे होगा, तो वो क्या होगा, जैसे जहां जहां आप कंपास रखोगे ना, क्योंकि उसमें होती है निडल, ठीक है, तो वो क्या करेगी, वो आपको बताती जाएगी कि जो मैग्नेटिक जो फोर्स है उसका डायरेक्शन क्या है, क्या है उसका
डायरेक्शन क्या है, और इसी को अगर हम जब क्या करते हैं, इसी को जब हम मिला देते हैं तो हमें क्या मिलती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिलती है। क्या मिलती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्या मिलती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो बेसिकली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को बताती है। क्या करती है, मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को बताती है। अब जाहिर सी बात है कि ये मैग्नेट है, ठीक है, और जो कंपास रखा है आपने वो भी मैग्नेट है, उसमें भी मैग्नेट है। तो ये बताएगा कि ये जो कंपास है वो किधर फोर्स लगा, ये जो मैग्नेट है वो कंपास के ऊपर किधर फोर्स लगा रहा है, वो कंपास की निडल बताती जाएगी। जब जब आप जो है उसकी पोजीशन चेंज करते जाओगे तो वो आपको बताती जाएगी कि अब जो है ये जो मैग्नेट है वो उस पे जो फोर्स लगा रहा है कंपास के निडल पे वो किस डायरेक्शन में है। ये बात समझ में आई कि हमने पढ़ा था कि अगर दो मैग्नेट को पास में ले आओ तो जो नॉर्थ पोल या लाइक पोल्स होंगे उसमें रिपल्शन होता है, और जो अनलाइक पोल्स होंगे उसमें अट्रैक्शन होता है। तो अगर आप नॉर्थ पोल के पास कंपास को लेके आओ तो जो नॉर्थ पोल होगा और नॉर्थ पोल दोनों में क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो ये जो है ये वाला मैग्नेट उस कंपास के निडल को किधर रिपल करेगी, तो वो बताएगा कि डायरेक्शन इधर जा रहा है। फिर जैसे जैसे आप उसका पोजीशन चेंज करते जाओगे तो वो निडल का जो साउथ जो नॉर्थ पोल होगा वो आपको बताता जाएगा कि भाई आप डायरेक्शन किधर किधर हो। जैसे ही कंपास जो है यहां पे आया, ठीक है, अब उसका नॉर्थ पोल जो नॉर्थ पोल की निडल थी वो इधर दिखा रही है। क्यों दिखा रही है, क्यों, क्योंकि अब ये हो गया नॉर्थ, ये क्या हो गया, ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहाँ पे नॉर्थ और साउथ के बीच में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है। यहाँ पे नॉर्थ और नॉर्थ के बीच में क्या हो रहा था, रिपल्शन का फोर्स लग रहा था। इसकी वजह से जो कंपास की निडल थी उसका नॉर्थ पोल किधर जा रहा था, इस डायरेक्शन में बता रहा था कि भाई इधर फोर्स लग रहा है। जब वो इधर गया तो इधर फोर्स लगा, इधर गया तो इधर फोर्स लगा, इधर गया तो इधर फोर्स लगा। जब वो इस पॉइंट पे आया तब क्या हुआ, अट्रैक्ट नॉर्थ और साउथ पोल में क्या हुआ, अट्रैक्शन का फोर्स लगने लगा। तो वो अब इधर जाके इसमें घुस गया। मतलब कि ये वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती हैं वो क्या करते हैं, वो मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को बताती हैं। क्या करती हैं, वो मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को आपको बताती हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। अब है कि जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स देखोगे ना, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, यानी कि या क्रॉस नहीं करती हैं। हमेशा देखोगे तो उसमें गैप जरूर रहेगा, चाहे ज्यादा चाहे कम। अगर अगर हम बात करते हैं यहां पे भी, अगर हम बात करते हैं यहां पे भी, तो यहां पे भी क्या होगा, यहां पे भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती हैं, हमने बोला ना इससे पहले की जो प्रॉपर्टी थी उसमें बोला कि जो पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है क्राउडेड होती है, इसका मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड वहां पे ज्यादा क्राउडेड होने के बाद भी, क्राउडेड होने के बाद भी पोल पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स में कोई भी इंटरसेक्शन या वो एक दूसरे को ओवरलैप या क्रॉस नहीं करती हैं, उनके बीच में थोड़ा ना थोड़ा गैप हमेशा रहता है। वो क्यों रहता है, वो इसलिए रहता है कि अगर वो किसी भी पॉइंट पे, मान लीजिए अगर वो किसी भी पॉइंट पे क्या कर रही, इंटरसेक्ट कर ली, अगर वो किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर ली, अगर मान लीजिए इस पॉइंट पे उन्होंने इंटरसेक्ट किया, तो इस पॉइंट पे दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, यानी एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। इस पॉइंट पे अगर आप डायरेक्शन देखने जाओगे निडिल का, अगर आप इस पॉइंट पे कंपास रखोगे तो वो क्या करेगी, वो ब्लिंक करती रहेगी, वो एक जगह पे नहीं रुकेगी और आपको एक डायरेक्शन नहीं बताएगी। क्यों, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका अलग डायरेक्शन है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका अलग डायरेक्शन है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसका डायरेक्शन ये होगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसका डायरेक्शन ये होगा। तो एक पॉइंट पे किसी भी चीज का दो डायरेक्शन तो हो नहीं सकता, एक पॉइंट पे तो एक ही डायरेक्शन होगा ना, चाहे ये वाला चाहे ये वाला। तो इसीलिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती हैं वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, क्योंकि क्रॉस करेंगी तो वो मैग्नेटिक जो मैग्नेटिक फोर्स होगा उसका डायरेक्शन क्या है, वो दो अलग अलग डायरेक्शन बताएंगी। जबकि वो क्या है,
किसी एक पॉइंट पर सिर्फ एक ही डायरेक्शन हो सकता है, दो डायरेक्शंस नहीं हो सकते हैं, तो ये इम्पॉसिबल है। इसीलिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, यानी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि वो मैग्नेटिक, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन बताती हैं, और एक पॉइंट पे किसी भी फोर्स का दो डायरेक्शन बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। इसी यही एक वजह है कि जो मैग्नेटिक फोर्स लाइन, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। तो ये हो गई हमारी चार प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। पहली तो ये कि नॉर्थ पोल से निकलती है मैग्नेट के बाहर और साउथ पोल में अंदर जाती है, साउथ पोल की तरफ से अंदर जाती है, और या तो आप ये भी, और जो मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, साउथ टू नॉर्थ होता है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ डायरेक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद जो ये तो बाई कन्वेंशनल है, मतलब ये तो हम मानते ही हैं, ये धारणा है, ठीक है। और ऊपर से जो सेकेंड प्रॉपर्टी है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो क्या होती है, मैग्नेट के अंदर और मैग्नेट के बाहर मिला के क्या करती है, एक लूप बनाती है, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन पूरी एक लूप बनाती है, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है पोल पे ज्यादा क्राउडेड होती है, इसका मतलब क्या होता है कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग है, और मैग्नेट के बाहर जो जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं होती है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वीक होता है, और जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है उस पार्ट के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रांग होता है। ये हो गया थर्ड। और फोर्थ ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि वो क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है, डायरेक्शन को बताती है। अगर दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो जो इंटरसेक्शन होगा लाइंस का वो उस पॉइंट पे दो डायरेक्शंस बताए जाएंगे, लेकिन किस कोई कहीं भी किसी पॉइंट पे किसी फोर्स का दो डायरेक्शन नहीं हो सकता, सिर्फ एक ही डायरेक्शन का, ठीक है। तो चलिए हमने अपना ये तो समझ लिया, अब हम जो इसका थ्योरी पार्ट है उसको भी देख लेते हैं। चलिए तो जो हमारा पहला प्रॉपर्टी था वो था बाय कन्वेंशन दैट द फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट द साउथ पोल। इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस इज फ्रॉम इट्स साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, ठीक है। सेकंड क्या था, दीज लाइंस आर क्लोज एंड कंटिन्यूअस कर्व, वो क्या होता है पूरा कंटिन्यूअस क्या बनाएंगी, कर्व बनाएंगी, ठीक है। थर्ड क्या है, They are crowded near the poles where the magnetic field is strong and separated far from the poles where the magnetic field is weak. और जहां magnetic, जो magnetic poles है उससे दूर जाती है तो क्या होता है उनकी magnetic field क्या होती है, weak होती जाती है, ठीक है। Two field lines cannot cross each other at any time. If they do, they would mean that there are two directions of the magnetic field at the point of intersection, which is impossible. ये बिल्कुल impossible है, जहां पे दो lines का intersection होगा उस point पे क्या होगा, उस point पे दो directions होंगे किसी भी field के, किसी भी force के क्या होंगे, magnetic field के या magnetic force के दो directions होंगे, जो कि impossible है, ठीक है। तो ये था हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसकी ये प्रॉपर्टीज थी। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी कि सिर्फ चार ही प्रॉपर्टीज हैं इसकी, तो आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। जब हम अपनी नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम अब इसके आगे जो हम अपना एक नया टॉपिक लेके आएंगे और एक नए टॉपिक को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। आई होप कि आपको ये तो समझ में आ जाना चाहिए, और फिर हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं अपनी नई क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।